हेलो स्टूडेंट, आज हम एनसीईआरटी बुक हॉर्नबिल से चाइल्डहुड पोयम का अध्ययन करेंगे जो कि मार्कस नटन ने लिखी है। फर्स्ट स्टैंजा है पोयम का, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब खो गया। वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, क्या मैं जब 11 वर्ष का था तब खो गया। Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography? या तब खो गया जब मैंने यह जाना कि स्वर्ग और नर्क नाम का कोई भी स्थान ज्योग्राफी में नहीं पाया जा सकता है। वह सिर्फ काल्पनिक स्थान है, इमेजिनरी प्लेसेस हैं हेल एंड हेवन। एंड देयर फॉर कुड नॉट बी, और वह ज्योग्राफी में नहीं पाए जा सकते। वॉज दैट द डे, क्या वह दिन था जब मेरा बचपन खो गया। सेकंड स्टैंजा है पोयम का, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब खो गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज दैट एडल्ट्स वेयर नॉट ऑल दे सीम टू बी, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीज्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। वॉज दैट द डे, क्या मैंने उस दिन अपना बचपन खोया जब मैंने वयस्कों के बारे में यह जान लिया कि वह जैसे दिखते हैं वैसे होते नहीं हैं। वह कहते हैं कि प्यार से बातें करो, प्रेम से रहो और उपदेश देते हैं, लेकिन खुद वह वैसे नहीं हैं। वह उन बातों से बिल्कुल अलग हैं। क्या मैंने जिस दिन इस बात को जान लिया वो दिन था जब मैंने अपना बचपन खो दिया था। थर्ड स्टैंजा है पोयम का, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब खो गया। Was it when I found my mind was really mine? क्या वह दिन था जब मैंने पाया कि मेरा दिमाग सिर्फ मेरा है। Producing thoughts that were not those of other people, और मेरे अंदर जो ख्यालात उत्पन्न हो रहे हैं, विचार उत्पन्न हो रहे हैं, वो सिर्फ मेरे हैं, किसी और व्यक्ति के नहीं हैं। But my own and mine alone, केवल मेरे स्वयं के हैं और सिर्फ मेरे हैं। Was that the day, क्या वह दिन था जब मैंने अपने बचपन को खो दिया था। लास्ट स्टैंजा है पोयम का, Where did my childhood go, यहाँ पर पोएट वेयर से स्टार्ट कर रहे हैं जबकि उन्होंने थ्री स्टैंजा व्हेन से स्टार्ट किया है, जहां उन्होंने यह क्वेश्चन किया है कि मेरा बचपन कब खो गया। अब यहां पर वो ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मेरा बचपन कहां खो गया। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहां गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, यह किसी भूली बिसरी जगह पर चला गया है। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, वह किसी न्यूली बॉर्न बेबी के फेस के अंदर छिप गया है। जो छोटे बच्चे होते हैं, मासूम बच्चे होते हैं, मासूमियत भरा उनका चेहरा होता है, और मेरा बचपन उसी मासूमियत भरे चेहरे के अंदर चला गया है। दैट्स ऑल आई नो, बस मैं इतना ही जानता हूँ। तो यहाँ पर पोएट अपनी छोटी सी पोयम में उन्होंने ये कहा है कि कब मेरा बचपन खो गया। उन्होंने अनुमान लगाया कि शायद मैं जब 11 वर्ष का था तब मेरा बचपन चला गया, या मैं जब अडल्ट्स को समझने लगा, वयस्क को समझने लगा, या कि खुद के थॉट्स मेरे जनरेट होने लगे, मेरे खुद के विचार उत्पन्न होने लगे,
तब मैंने अपना बचपन खो दिया। और लास्ट स्टेंजा में पोएट कहते हैं, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कहाँ खो गया। तो उनका बचपन इन्फेंट्स फेस के अंदर छुप गया है। आखिर में उन्हें यह पता चलता है कि मेरा बचपन इन्फेंट्स फेस, न्यूली बॉर्न बेबी किड्स के फेस में छुप गया है। किसी मासूम चेहरे के अंदर मेरा ही बचपन छुपा हुआ है। दैट्स ऑल आई नो, और मैं बस इतना ही जानता हूँ। ओके स्टूडेंट, पोएम अच्छी तरह से आपको समझ में आ गई होगी।